जन समाज पार्टी की कार्यकारिणी का गठन हुआ, वहीं राष्ट्रीय जन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के साथ धरने में शामिल होंगे। लखनऊ में राष्ट्रीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, देश में जो भी निजीकरण हो रहा है उसका हमारी पार्टी विरोध करती है। प्रदेश सरकार किसानों पर जो अत्याचार कर रही है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। हमारी संस्था आगामी 2021 में पंचायत चुनाव में सारी ग्राम सभा में अपनी प्रत्याशी खड़े करेगी। प्रदेश सरकार अगर किसानों की मांगे नहीं मानी तो हमारी पार्टी किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेगी। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये सीधे तौर पे ऐसा नहीं है कि एक पार्टी आगे मैदान में हो आने के बाद सीधे हम ये बात कर रहे हैं 2022 की। तो मैंने पहले ही आपसे हमने कहा है कि हम लोग यहाँ पर पिछले 2 दशकों से मेहनत करके आए, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद अभी इससे पहले चुनाव बंगाल वगैरह के होने जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी वहाँ पर भी रहेंगे और आगे के जो जो चुनाव होंगे पूरे देश में ये संगठन, हमारा जो कैडर बेस्ड संगठन ये पार्टी है वो पूरे देश में काम करेगी, वहाँ जहाँ जहाँ चुनाव में चुनाव लड़ेगी और खास करके अभी पंचायती के चुनाव में हमारे ग्राम सभाओं में पूरे दमखम के साथ राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के लोग आएंगे। और 2000 इसमें जो प्रस्तुति दर्ज करा के 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें सभी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम अभी चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जब ऐसी इस तरह की सब चीजें सामने आएंगी उसके ऊपर हमारे लोग विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। क्या मुद्दे क्या है? प्रमुख मुद्दा रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय, राष्ट्रवादी जन समाज, गरीबों के लिए, महिलाओं का अत्याचार रोकना। आज हमारे बीच में डॉक्टर अशोक छाबड़ा जी को इसी बात की जिम्मेदारी दी गई है। काफी जमाने से आप महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही है, कितने संगठनों में काम करती आई है, आज इस बीड़ी के साथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अगर निकल के जाना, ये वर्तमान और पूर्व सरकार मानवीय मूल्यों की जगह कोई जगह नहीं है। संस्थाओं को बेहतर सेवा देने के नाम पर निजी कंपनियों को के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। अभी तक जैसे हम जानते हैं रेल है, हवाई जहाज है, बीमा है, बिजली है, बहुत ही सारी चीजें थी, आज किसान और जवानों के साथ यही हाल है। तो एक पूरा सेक्टर जहाँ तक की बात है, यानी सारे सेक्टर किसानों के साथ जो निजी हाथों में देने की बात हो रही है उसी के लिए राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी विरोध करती है। आपने कभी अपनी पार्टी की वजह से कोई विज्ञप्ति दिया है, किसी को दिया है या आगे की रणनीति क्या है आपकी? बिल्कुल, हम लोगों ने ये कहा है कि अगर जैसे कि सारा किसान आज देखिए देश का वहाँ पे दिल्ली की तरफ कूच कर गया है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और समस्याओं को आगे वहाँ रखा रहा है, क्योंकि अगर उसमें इस बात को, उनकी बातों को नहीं माना जाता है तो हम लोग ये राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी किसानों के साथ पूरा समर्थन है। वो जहाँ पे उनकी जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ में, यानी हमारा कैडर उनके साथ है, उनकी समस्याओं पर जल्द उसका हल किया जाए।